Hey guys, myself Suman Singh. Today question, 40% are the passing marks. A student gets 250 marks yet fail by 32 marks. What is the maximum marks? In Hindi, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है यानी 40% है. किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है. अधिकतम अंक क्या है? तो ऐसा क्वेश्चन आया तो इट्स अ वेरी सिंपल सॉल्व करना. कितने पर? 40%. तो इसको क्या करना है, 40% परसेंट नीचे आएगा तो 100 हो जाएगा और इसको कटा लीजिए आप. दो दो की चार, दो पाँच दस, यानी 2/5. 2/5 ऊपर वाला क्या हुआ और नीचे वाला क्या हुआ, ये हुआ मैक्सिमम मार्क्स. मैक्सिमम मार्क्स और ये हुआ ऊपर वाला दो पासिंग मार्क्स. और क्वेश्चन में दिया है 250 अंक उसको मिले लेकिन तो भी वो 38 अंक से फेल हो गया. दैट मीन्स यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि पासिंग मार्क्स क्या है. 250 प्लस 38 तो कितना आएगा, 8, 5 3 8 और ये 2, ठीक है, 288 पासिंग मार्क्स है. पासिंग मार्क्स शॉर्टकट में PM. ये रहा फुल मार्क्स. तो मैं समझाने के लिए पूरा लिख कर बना रही हूँ, अदरवाइज जैसा क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करना. 40% है, 2/5 इसको लिखना है, इसको कटाकर. और उसके बाद अब पासिंग मार्क्स पता है, जैसे देखो इस तरह से 2/5 पासिंग मार्क्स पता है कितना है, 288 क्वेश्चन से गिवेन है, उसे निकाल लिए हैं, ठीक है. 250 नंबर उसको मिला तो भी वो फेल हो गया कितने नंबर से, 38 नंबर से. तो यानी पासिंग मार्क्स अगर इतना उसको मिल जाता तो पास हो जाता. दोनों को ऐड कर दिए तो 288 आ गया. अब दो में कितने से गुणा करें, 288 आएगा, दैट मीन्स 144. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, सिंपल सा इसको भाग दे दीजिए, 288 डिवाइडेड बाई 2 तो 144 आ जाएगा, ठीक है. तो 144 तो जितना सा आप इधर गुणा की इतना से इस इधर भी तो कितना आएगा, 5 × 20 × 20 11 12 720 सही है. 720 इसका मार्क्स होगा. ये टोटल मार्क्स हो गया, मैक्सिमम मार्क्स. और क्वेश्चन क्या पूछा, मैक्सिमम मार्क्स. मैक्सिमम मार्क्स 720 विल बी आंसर. इसी तरह से आपके लिए क्वेश्चन, यहाँ पर आप कर लेना 60% और यहाँ पर आप कर लेना, ये देखो यहाँ पर आपको करना है 60% और यहाँ पर करना है 40 और यहाँ पर करना है आपको 250 जगह 400. आप इसका आंसर बताना क्या होगा.